मॉर्निंग गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी सुबह का बज चुका है 5:30 और हमारा लोडिंग हुआ है आपका आसाम का। आसाम तो अभी आ चुके हैं नवदीप वाला रोड में, अभी खड़े हैं यहाँ पे। तो अभी रात को निकले थे यहाँ से मैक्सिमम घर से 10 बजे और यहाँ पे आके खड़े हैं। तो अभी चलते हैं आगे और अभी आप लोग को यहाँ का लोकेशन दिखाता हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, बहुत अच्छा लोकेशन है, तो दिखाता हूँ आप लोग को। गाइस आप लोग यहाँ का लोकेशन चेक कर सकते हो और ये रोड पे ही गाड़ी लगाए थे साइड करके, तो लोकेशन चेक कर सकते हो गाइस। बहुत ही अच्छा आ रहा और पूरा ही कुआसा है अभी गिरा हुआ और पूरा दोनों तरफ ही खेत है। तो गाइस चलते हैं यहाँ से, अभी निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस अभी यहाँ पे रुके हैं नवदीप से पीछे और यहाँ का व्यू चेक कर सकते हो गाइस। और ये अपना गाड़ी का कुछ हाइट है ऐसा। और रात में ऐसा सीन हुआ था, तिरपाल ढीला होकर माल गिर गया था तो हुड पे चढ़ा दिया। हुड पे तो चढ़ा दिए, कुछ माल निकल गया, अब नहीं खुलेगा, इतना ही निकला हुआ है। पूरा ही तिरपाल ढीला हो गया, फिर बांधना पड़ेगा खोल के। तो गाइस अभी पहुंच चुके कृष्णा नगर फोर लाइन पे। तो अभी आप लोग यहाँ का व्यू चेक कर सकते हो और पीछे बहुत ही बड़ा जंगल है जो अगला बार वीडियो में दिखाया, तो इस बार यहाँ पे रुका हूँ। तो आप लोग रुक के आप लोग को दिखाऊंगा कैसा जंगल है, ठीक है? तो दिखाता हूँ आप लोग को अभी। वो गाइस इस साइड चेक कर सकते हो, उस साइड का जंगल। अभी अपना गाड़ी यहाँ पे खड़ा है, जंगल चेक कर सकते हो आप लोग। दूर दूर तक भी है पूरा जंगल, रो गाड़ी सब खड़ा है। यहाँ पे छावा थोड़ा ठंडा टाइप का होता है इसीलिए खड़ा है गाड़ी सब। अभी आए थे यहाँ पे फल का शॉप था तो यहाँ से लिए अंगूर थोड़ा। तो अभी चलते हैं, अंगूर खाते खाते चलेंगे और ये पीछे का व्यू देख सकते हो। अपना टायर भी लेना है, टायर का भी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। चलते हैं अंगूर खाते खाते यहाँ से, अपना सफ़र कंटिन्यू रखती यार, खुली हुई नहीं ना। पहले देखते हैं अंगूर को धोएंगे पहले पानी से उसके बाद खाएंगे। तो गाइस आ गया अपना अंगूर, तो अभी चलेंगे यहाँ पे धो दिए पूरा। तो गाइस अभी लगा हुआ है भयानक जाम और अभी जाम में खड़े हैं, बहुत टाइम ही हो गया, आधा घंटा हो गया फिलहाल। और यहाँ का व्यू चेक कर सकते हो, आम का बगीचा है पूरा ही। तो धीरे धीरे गाड़ी बढ़ रहा है यहाँ पे और भी पीछे बहुत ही ज़्यादा रहा है। वेट करके वो जाम चेक कर सकते कितना ही लंबा जाम है। और ऐसा है कि आपको सिंगल रोड है वो लेके और भी जाम होता है।
आगे तो फोर लाइन है, ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ दूर जाके ही फोर लाइन फिर स्टार्ट है। तो देखते हैं कि कितना देर तक जाम रहता है, आधा घंटा तो से ऊपर हो गया। तो गाइस अभी पार्ट रस्सी खोल रहे हैं और पूरा खोल के फिर से बांधेंगे। तो अपना माल जो था वो गिरने लगा था और एक माल जो है लटका भी हुआ था, तो उसको लेके अभी वो देखो एक माल लटका हुआ था यहाँ पे। ये सबको पूरा खोलेंगे, खोल के फिर से अच्छे से कंप्लीट करके बांधेंगे। तो चलते हैं इसको खोलते हैं, और धूप भी बहुत ज़्यादा हो रहा अभी, वो पूरा खोल के कंप्लीट करेंगे बांधवाद के। उसके बाद नहाना धोना जो भी होगा अपना होगा, और खाना वाना हल्का फुल्का जो था वो तो खा लिए। अभी चलते हैं गाइस, खोलते हैं इसको और खोल के फिर से अच्छे से बांधेंगे। तो गाइस जो भी था वो बांध बांध के रेडी कर दिए, और अभी यही बैठे हुए, गर्मी लग रहा था तो इसलिए बोर्ड पे बैठे हुए, और वो नीचे माल पड़ा हुआ है अभी, उसको डोरी से बांधेंगे, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा है तो इसीलिए बैठे हैं ऊपर। और अभी वही होटल में, जिस होटल में हम लोग रुकते हैं दिखाता हूँ आप। ये गाइस वो होटल है जहाँ पे हम लोग रुकते हैं, और ये व्यू चेक कर सकते हो इधर का। और ये मैं हुड पे बैठा हूँ, गर्मी लग रहा है बहुत ज़्यादा, और जो माल गिर गया था उसको इधर चढ़ा दिया हूँ, और कुछ बाकी है जो इधर गिरा हुआ है, दो ठो और है, दो ठो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, बांध दूंगा क्योंकि तिरपाल पूरा खोलना पड़ता है और अकेले हूँ तो बांधने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता, इसीलिए अभी चलता हूँ इसको डोरी वोरी बांधता हूँ, बांध के खींचता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह का बच चुका है, 8 और सोए हुए थे, अभी उठे हैं तो अपना खर्चा वर्चा जो अभी तक मिला नहीं है तो इसीलिए खड़ा है यहीं पे। तो अभी चलते हैं चाय वाय पीते हैं, मुँह धो लिए, फ्रेश हो लिए, चाय वाय पीते हैं यहाँ पे। और ये गाइस अपना गाड़ी खड़ा है यहाँ पे, और अभी सुबह सुबह का टाइम है तो आज मौसम भी अच्छा है, कुछ ज़्यादा गर्मी नहीं है, ठंडा मौसम है। अभी यही होटल पर चलते हैं, चाय वाय पीते हैं, चाय और बिस्किट खाते हैं। वैसा आ गया अपना चाय और बिस्किट, तो चलते हैं खाते हैं चाय और बिस्किट। वही सच का, तो गाइस शाम हो चुका है, शाम का बज चुका है 6, और अभी उठे हैं तो चलते हैं नहाते धोते हैं। पहले तो अपना गाड़ी के 5 बजे धोएंगे, और धोओगे उसके बाद नहाना धोना अपना होगा। तो गाइस अभी शाम का बज चुका है 7, और अपना खर्चा वर्चा भी मिल गया, तो निकल चुके हैं अभी अपना सफ़र में। तो अभी हम लोग हैं बरहमपुर टोल का पीछे, तो अभी चल रहा है अपना सफ़र, कंटिन्यू है अभी यहाँ से। तो अभी फ़िलहाल हमको लगता है पलसंडा वलसंडा में आरटीओ रहता है, तो वो हमको देख के जाना पड़ेगा क्योंकि अपना थोड़ा हाइट है गाड़ी, तो इसी को लेके तो चलते हैं, अपना सफ़र कंटिन्यू रखते हैं अभी यहाँ से। आने वाला बरहमपुर का टोल, और ये अभी टोल में ये पहुंचने वाले हैं। वैसे चलते हैं और कटाते हैं अपना टोल, टोल कटा के निकलते हैं। तो वैसे अभी रुके हैं यहाँ पे, और अपना तिरपाल रस्सी जो बांधे वो सब चेक कर रहे हैं यहीं पे, गाड़ी खड़ा किया है, यही सब चेक कर रहे हैं सही से है या नहीं, और ऊपर भी वो जो माल बांधे थे उसको भी चेक कर लिए, क्योंकि अब तिरपाल बांधे तो फिर डर नहीं ना रहेगा कुछ माल वाल गिरने का, इसीलिए एक बार चेक कर रहे हैं। पहुँच चुके हैं भाई, सभी पहुँच चुके हैं उमरपुर, उमरपुर पार करके चले आए, धुलियान धुलियान भी पार कर चुके, और चंदन भाई खड़े हैं यहाँ पे, तो उन्हीं से मिलने के लिए जा रहे हैं, उस साइड में गाड़ी है उनका। अपना गाड़ी ये पार्किंग कर दी यहाँ पे, गाड़ी लोड है, गाड़ी में भी खड़ा ही है यहाँ पे, सो रहा है शायद उनसे। तो घूचिए घूम अच्छी चंदन,